मैं हरिलाल आर्य जगत इंटर कॉलेज गद्दोपुर का प्रधानाचार्य। आज मैं 2023 इंटरमीडिएट की छात्र और छात्राओं ने जो प्रतिभा दिखलाते हुए परीक्षा उत्तीर्ण की है उसके लिए हमने वितरण समारोह किया मार्कशीट का, उन्हें साधुवाद दिया। और यह जगत इंटर कॉलेज इसी कड़ी से जुड़ा हुआ एक हमारा और पीजी कॉलेज राम बच्चन डिग्री पीजी कॉलेज जो खुरासों फूलपुर के पास स्थित है, वो महिलाओं के इस समय अच्छी शिक्षा देने के रूप में कार्य कर रहा है। और हम ये सोचते हैं कि भविष्य में हमारी ये महिलाएं, हमारी ये छात्राएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा के अभाव में पिछड़ जाती हैं, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती, उच्च स्थानों को नहीं प्राप्त कर सकती, और हमारा लक्ष्य है कि हम उन्हें अच्छी शिक्षा देकर, उच्च शिक्षा देकर और राज्य और देश के उच्च पदों पर आसीन कराने का काम करें। इसी उद्देश्य से हम हमारे प्रबंधक माननीय रामासाहेब विश्वकर्मा जी जो पूर्व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री थे, उनका कार्य लगा हुआ है, सराहनीय है, और इसमें हमारे शिक्षक स्टाफ और कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग और योगदान मिल रहा है, और जिससे हम उनको बधाई दे रहे हैं। साथ ही हमारे अभिभावक भी इसमें किसी मामले में पीछे नहीं रहे हैं। ठीक है, सर परिचय बताइएगा। मैं राम तीरथ यादव, तो सर आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कहेंगे? सर ये जगत इंटर कॉलेज के बोर्ड की परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण मेधावी छात्रों का आज सम्मान समारोह किया गया, जिसमें बच्चों की अंक पत्र का वितरण क्रमवार किया गया। और जगत इंटर कॉलेज के समस्त स्टाफों का जो कार्य व्यवहार था बहुत अच्छा रहा। और सर जिस तरह से क्षेत्र में शिक्षा स्तर को लेकर जगत इंटर कॉलेज का जो स्थान है, इस पर आपका क्या राय है? जगत इंटर कॉलेज अपने आप में बहुत अच्छा कॉलेज है ये, और हमारा यही राय है कि ये बच्चियों के लिए इंटरमीडिएट कॉलेज चला रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और बच्चों के स्तर का जो हाई स्कूल है ये भी बहुत अच्छा है, और इंटरमीडिएट में बच्चों का स्तर जो है वो न रहे यहाँ तो बेटर रहेगा। लेकिन सर जिस तरह से जब ये जगत इंटर कॉलेज की स्थापना यहाँ नहीं हुई थी, तब बच्चियों को क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ती थी? ये शिक्षा क्षेत्र को लेकर के इस क्षेत्र के समस्त ग्रामवासी बहुत परेशान हुआ करते थे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती थी, जिसके अभाव में उनके शादी विवाह में समस्याएं आती थीं। अब ये कॉलेज के खुल जाने से बहुत इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, बच्चियां पढ़ करके आगे निकल रही हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पर जो है ये जाएंगी, पूरी उम्मीद है।